हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का CSP यानी बैंक चलाते हैं और आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आपको इस वीडियो को पूरा तक देखना चाहिए और आपको इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से एक नया अपडेट यानी बिग अपडेट हो रहा है और हो चुका है। तो क्या है वो अपडेट? अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का माइक्रो ATM यानी एमपॉस मशीन चलाते हैं तो आपको इसको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को अगर पता नहीं होगा तो आप बहुत परेशान होंगे और ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान चैनल। तो आप सभी को इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बिना बात के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो ATM मशीन, यानी जिसमें हम ATM को स्वाइप करके किसी भी कस्टमर का पैसा निकालते हैं और उसको इसका सुविधा लाभ उठा कर देते हैं। तो किस तरह से आप इसका जो उठाए लाभ उठाते थे और आप एक अच्छा सा कमीशन यानी इनकम कर सकते थे, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि इसमें चेंजेस क्या हुआ और अपडेट्स क्या हुआ। एक्चुअली इसमें चेंजेस जो हुआ है, पहले हम माइक्रो ATM जो यूज़ करते थे उसमें क्या होता था, उसमें हम ऊपर में जो आपका अगर आपके पास इस तरह का जो माइक्रो ATM मशीन है, मैं आपको बगल से दिखा दे रहा हूँ, अगर आपके पास इस तरह का मशीन है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसमें हम लोग ATM कार्ड को स्वाइप करके काम करते थे। तो अभी उसका जो फैसिलिटीज़ है वो अभी बंद हो चुका है, यानी वो 31 जो मार्च अभी तक चला गया है, अभी आज का डेट है 2 यानी 2 अप्रैल, और इस अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी को पता है। तो मैं आपसे इस वीडियो के बीच में बोलना चाहूँगी, प्लीज़ यार स्टे होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था कि अगर आपके पास इस मशीन है और आप ऊपर से स्वाइप करके इसका फैसिलिटी उठा सकते थे और उठा रहे थे, अभी आपका जो ऊपर का स्वाइप मशीन है वो अभी बंद हो चुका है, यानी उसका सिस्टम अभी बंद है, यानी 31 मार्च तक वो काम करता था, अभी वो काम नहीं कर रहा है। अभी हुआ है क्या, अभी हाल ही में ऐसा हुआ है कि आप अगर आपके पास चिप यानी मेमोरी कार्ड का सिस्टम है, यानी अगर आपका ATM मेमोरी कार्ड यानी स्वाइप का सिस्टम है, तभी आप उस ATM का फैसिलिटी उठा सकते हैं। जैसे कि पहले अगर किसी ATM कार्ड में चिप सिस्टम नहीं होता था तो फिर भी हम इसका लाभ उठा सकते थे, मगर अभी क्या हुआ है, जो चिप सिस्टम है यानी विदाउट चिप्स मेमोरी कार्ड, विदाउट चिप ATM कार्ड जो था, पहले हम उसका लाभ उठा कस्टमर को दे सकते थे, मगर अभी हम उसको नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसका सिस्टम, उसका फैसिलिटीज बंद हो गया है। अभी हम किसको दे पाएंगे, जिसका माइक्रो ATM कार्ड में चिप लगा हुआ है उसी को दे पाएंगे। तो इसके लिए जो आपके पास माइक्रो ATM मशीन है उसमें उसी के साइड में देख पाएंगे एक बगल सा चिप्स का सिस्टम है, उसी चिप सिस्टम में आप क्या कर पाएंगे, इसको पुट करेंगे और इसका आप लाभ उठा सकेंगे और आप बहुत ही एक आपका जो CSP है उसको हम बहुत ही बढ़िया से चला पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और ज़रूर ज़रूर यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर कुछ गलत होता है, मुझे जितना पता था मैं तो आपको बता दिया, अगर आपको कोई गलत होता है, आपको लगता है कि नहीं बंदा ये गलत बोल दिया, तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज़ उसको कमेंट करो और मैं उसको बारीकी से उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। सो वंदे मातरम, भारत माता की जय।